इतने कान तुझे बंद करने हैं, नहीं सुन सकता तू बहुत। जब इतने कान देगा तो हसद नहीं होगी तो और क्या होगा। इसलिए हसद के पीछे उलमा ने लिखा है ये अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं है, उसे अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं था इब्लीस, he wasn't satisfied with that। इसलिए तो उसने कहा मैं खैर मिनहु, मैं से बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, तू मिट्टी के नाल इन्हू बनाया अग्नि नाल इन्हू बनाया। उसने वही कंपैरिजन कर लिया उस टाइम। क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरे के साथ, क्यों क्यों देखना है हर वक्त अपने आप को अगले के स्केल में क्यों देखना। नबियों ने ये पहले लीडरशिप ने आके नफ्स के आगे एड्रेस किया, हसद हिकद एहसास कमतरी एहसास बरतरी शक शहवात यकीन, ये है मौजू अंबिया के। लोग कहते हैं शेख कॉल टू एक्शन दें आप, और केड़ा कॉल टू एक्शन, व्हाट कॉल टू एक्शन, जो कमर और बिस्तर का ताल्लुक ना तोड़ सके उस ईमान से कहता है जंग में आ, उस ईमान से कहा जाता है जंग में आ जो बिस्तर से ताल्लुक नहीं तोड़ सके अपना। कैसे वो जंगों में आएगा वो ईमान, कॉल टू एक्शन दो, इतनी जल्दी है इनको। वो 13 साल के अंदर 300 जमा नहीं कर सका, इतना मुश्किल था। ये पता नहीं कैसी कंपनियां बनाते हैं। अभी मेरे इस्लामाबाद में मेरी एक जगह में प्रोग्राम था, मैंने कितने साल एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा था भाई, उसके कुछ मसाइल थे। मैंने कितने बंदे हैं आपके पास, मेरे 70 बंदे, बड़ी 70 बंदे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैं कितने साल कह रहा हूँ, 3 साल, क्या बात है, वो 300 मुश्किल से खड़े हुए 13 साल, कायनात का सबसे आसान उस्ताद पढ़ा रहा है तो 300 लोग नहीं मिले, तो 60 लोग मिल गए ना 3 साल में। जल्दी है ना, जल्दी है, जल्दी चाहिए, जल्दी जमात में एंट्री कराओ, जल्दी जियाला बनाओ, जज्बाती तरीकी ना करो, जैकटा बनाओ तो फटवाओ, जल्दी बढ़िया है ना। 100 साल का विजन नहीं है किसी का, 50 साल का विजन नहीं है, और विजन में नाकाम होंगे अलामते क्या शुरू हो जाएगी आपको। इन्ना मिन क्यामत के वक्त की निशानियां ये कहा, अपनी हार को दलील देने के लिए काम कर भाई, काम कर, फतकुल्ला मस्तता लाजो कल फलाह नफ्स ने लफ्स तस किया। क्यों कर रहा हूं मैं, मुकाबलेबाजी तो नहीं है, किसी को प्रूफ तो नहीं कर रहा मैं, हक को हक दे रहा हूं या हक को शक दे रहा हूं। शक शुबात सबर तमन्ना एहसास उम्मीदें अलीमान बैन अलहुब्बल खौफ अर्रजा को बैलेंसिंग, ये तस किया नफ्स। हैरान हूं इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह, हैरान हूं मैं, अजीब आदमी था ये, अजीब। एक आयत कुरान में आई है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा, और दूसरा ऑर्डर है व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा युज़क्कीहिम, तस किया एक आयत में पहले आ गया, एक में बाद में आया। शेख साहब हाफिज साहब लिखते हैं नुक्ता, अत तस्किया तो कबल अल इल्म व फी वस्त अल इल्म व बाद अल इल्म, तहरीक की इब्तिदा में भी तस्किया, तहरीक के वसत और बिशकार भी तस्किया, और इस सब के इंतहा भी वराइता नासा यदखुलू नफी दीन अल्लाह फाजत, फौजें तेरे फलसफे में आ गई, इलाके में तेरी बटो बन चुकी है, दुश्मन जेर हो चुके, तू एक सिग्नेचर बन चुका है फील्ड का, क्या कर, क्या कर, भंगड़े डाल हैं, ढोल ढमके हैं, असी दसना है सबनों है, असी वड्डे हां, ये कहते हैं वो शादियां क्या जिसमें ढोल ना हो, है नऊज़ बिल्लाह, फसब क्रेडिट अल्लाह को दे, बेहम दे रबे शुक्र उसका अदा, अस्तगफिर क्या कर, हो सकता है तूने ऐसे पीस तोड़े हो रस्ते, माफी मांग ले, अल्लाह को क्रेडिट दे दे, नाम तेरे ही रखेगा अल्लाह, मन में गया अल्लाह अल्लाह वाला को देना, तस किया। यहां तरक्की से पहले भी मैं, तरक्की के बीच में भी मैं, तरक्की के बाद भी मैं, तो इस मैं पे छुरी चलाए बगैर कैसे इंकलाब आ सकता है। आज अगर हम लोग कहीं परेशान हैं, आज अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मनोसलवा नहीं उतर रहा आसमान से, चांस नहीं मिल रहा, स्टेज नहीं मिल रहा, 14 साल दफन रहे हैं हम, 14 साल लोगों को तेजी है ऊपर आने की, हम मदरसे की मिट्टी बन गए, हमारे साथ के लोग चमक रहे थे, हमारे यार हमारे भाई चमक रहे थे, हमारा शरीका चमक रहा था, शेख आतफ दफन हुआ था, जरा बा यज़रबु ज़रबन फ़ा हुवा ज़ारिब, ज़रा बा यज़रबु ज़रबन फ़ा ज़ाका मज़रूब, लम यज़रब लम यज़रब, ये चल रहा है उसकी जिंदगी। हदीस ज़ईफ़ है मगर मसला ऐसा ही है, ये चल रहा उसकी। और कहते बहने अगर रावी देते इमाम बुखारी खामोश हो गया तेरा मतलब है क्या, सिका है, ज़ईफ़ है, इमाम अबू दाऊद खामोश हो गया किसी रावी के ऊपर तो इसका मतलब है सिका, कितने बैठा है तू। हमें किसी ने कहा इंकलाब कैसे आएगा आज से 14 साल पहले, 10 साल की दुश्मनी है, रिजॉल्व कराने मैं गया, रिजॉल्व कराने हमारे खानदान के बड़ों की, उसके मुझे यकीन नहीं आता ये 50-50, 60-60 साल के इतने बड़े होके और बातें ये कर रहे हैं 9-9 साल के बच्चों की, तो मैं छोटा सा जवान होके गया सुलह कराने हमारे बड़ों के ना, हमारे तो पंजाबियों की लड़ाई होती है तो मतलब शक्ल नहीं देखते, अगर साढ़ा तो आटा जीवन मरण खत्म, मुझे हैरत हुई कितने पॉजिटिविटी नाम की चीज ही नहीं है कोई, चलो गलती हो गई उससे आप इसी पे मार, और भाई परफेक्ट कौन है, कुल्लू बनी आदम खत्ता, लोगों का इशूज देखें
टीम चल रही होगी फजूल की, इसके बाल भी अच्छे लग रहे हैं, इसकी शक्ल नहीं, इसकी जात अच्छी नहीं, अनाई है, ये जट है, ये जट बरादरी है, चवल लोग है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ हमारे माशरे की बातें। सबर लीडर का सबर, उसको समझाएंगे वो निकल जाएगा, उम्मीद अपने अंदर का सबर भी देख लें, कौन का उम्मीद पकड़ेंगे खौफ निकल जाएगी, खौफ संभालने जाएंगे नफ्स उम्मीद को आगे तो फेंक देगा, दोनों सेपरेट आ जाएंगे मोहब्बत दम तोड़ देगी। इसलिए तो इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि द हार्ट ऑफ अ बिलीवर, मोमिन का दिल जो होता है ना, इज लाइक अ बर्ड एंड वन विंग इज होप एंड इज होप, एक पर उम्मीद का एंड अदर इज खौफ, दूसरा पर खौफ का, और सर उसका जो है, जो उसकी जान है सर, वो मोहब्बत में अल्लाह के साथ। खौफ अल्लाह के मामले में आगे पीछे हो गई तब भी फ्लाइट डिसबैलेंस हो जाएगी, और अगर उम्मीद आगे पीछे होगी तब भी फजूल में चला जाएगा, बहुत ही चौड़ा हो जाएगा, जाके इबादत ही छोड़ देगा, और मोहब्बत ही मर गई अगर अल्लाह की तो बर्ड और ये दिल उड़ के जाएगा नहीं अल्लाह के पास इज्जत करने की। सबर अपने डिप्रेशनों के खिलाफ, सबर अपने अंदर की बलाओं के खिलाफ, सबर वो 7 साल की उम्र के अंदर जो कभी एक ट्रॉमा अंदर आया होता है उसे खोलना तो है ना, क्योंकि आज 35-30 साल की उम्र के अंदर वो अफेक्ट कर रहा है, तो अपनी माजी की बलाओं के डब्बे खोलने का सबर, फिर वो डब्बे खोले वो बला इतना बड़ा मॉन्स्टर बन के निकल आ जाए, उसको कैसे बंद करें फिर से, फिर उसके पहले हाथ काटने हैं, फिर टोके के साथ उसका ये काटना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हराना है उस बला को, सबर उसके बीच के अंदर हचकोले आएंगे, सीना ऊपर नीचे होगा, शक आएगा, शुबहात आएगा, फलान क्या होगा, मैं मर गया हूँ, ये डिप्रेशन, मुझे ऐसा लगे मेरी जान निकली जा रही है, जिंदगी का कोई स्कोप नहीं है, मुझे आगे मजा नहीं आ रहा, लाइफ बोर्डों में चली गई। सबर आप साहिल में बैठे हैं, समंदर में मगरमच्छ और तूफान है, कदम रखना, सबर फैसले लेने, इनिशिएटिव्स हैं, सबर एक कौम पहुंचेगी एक जगह पे जाके भूख मर जाएगी उसकी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप, कंपनीज क्यों या खानदानों के, एक जगह पहुंचेगी इससे आगे नहीं जाना, क्यों बस हो गया बहुत, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 1 करोड़ कमा लिया, 5 करोड़ की सल्तनत नहीं बना सकते, 5 खानदानों को खुश कर लिया है, उनको आपस में इंटीग्रेट कर लिया, मैं 10 फैमिलियों को और इंटीग्रेट नहीं होना चाहता, मैं 20 लोगों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं ज्यादा फटीका नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा चैलेंज नहीं लेना चाहता, बस मैं सेटल, उम्र कितनी है 28-30, अरे अरे मतलब तो बूढ़ा ही नहीं होता, शेर कभी बूढ़ा होता है कभी, बूढ़ा शेर भी जो है ना ज्यादा खतरनाक होता है, तो 50-40 तो बंदे उम्र ठंडे होने की तो उम्र ही नहीं होती काम करने की, मैं अगर दीन दुनिया दोनों के परस्पेक्टिव को मिला के बात करूँ भूख मर जाएगी, क्या होगा जी, दिल नहीं करना, क्यों जी, तस्किया नहीं करना, मुहासबा, एक स्टेशन के बाद पहुंचने के बाद अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है कुरान में फायदा फरक था मनसा अरबी का फरक, किसी जगह पे पहुंचो अपने आप को झाड़ना शुरू करो, अपने ऊपर जो गंद और डेंट लगा उसको साफ करो, वही नहीं करना, सबर खुद का सबर, खुद को कंपोज और कंटेन रखना हर वक्त स्माइलिंग फेस के साथ, और जी क्या, दुश्मन सामने से तनकीदें कर रहे हैं खामोश रहना, सबर, 2-2 रुपए की हरकतें हो रही होंगी, 2-2 रुपए की ठंडी चवनियों के फायर चल रहे होंगे आपके खिलाफ, सबर आपके अंदर इतना बड़ा आदमी है कि आप कायनात खा जाए पूरी, और वो 2-2 रुपए की इतनी नीच हरकतें कर रहा होगा, नहीं नहीं हर मतलब बंदा क्या, मैं फूक मारूं और तू मैं तुझे इतना तेरा हशर हो जाएगा, नहीं कर सकते, सफर करके आप मूव करेंगे, एक टाइम आएगा लीडर हिलेगा भी ना, 50 मुंह होंगे, 50 आंखें होगी जो उसको पूरा उसको सॉल्व करने में लगी, क्या करना है, कंटेन रखना है अपने आप, कंपोज रखना है, नहीं बोलना वहां, नहीं मिजाज दिखाना, नहीं रिएक्शन देना, जड़ी बहुत होती है इंसान, कौन नहीं मार सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही सारा इस सफर के ऊपर यही है कि बहादुर वो नहीं है जो किसी को जाके रेसल करके नीचे पिछाड़ दे पहलवान की तरह, बहादुर हुआ जिसको जब अपना मूड पे चढ़ी हो ना फुल, वो वहां पर रोक ले अपने आप, हब्स करे अपने नफ्स, कंटेन करे अपने अंदर किया, नहीं बोलना यहाँ, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।